विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु सूर्यमणि मिश्र। बंधुवर्ग आज पांच राज्यर विधानसभा निर्वाचन फलाफल प्राय अंतिम पर्यायर चार राज्य पुणी थे क्षमता को फेर भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश जो राज्य प्रतिनिधि मध्य ही सिलेक्ट हूँ प्रधानमंत्री पद कथाटा आरंभ करिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादुकरी कौशल ओ आकर्षण को नहीं तबे कथा हेउची 2024 रे मोदी पुणी प्रधानमंत्री हेबे ना तांको विकल्प रे आउ किए तांको आकर्षण रो विकल्प दौड़ रे आउ किए किए अछंती। आज धूमधाम रे दिल्ली रे उत्तर प्रदेश रे सबुठी देशव्यापी बीजेपी कर्मकर्ता माने होली पूर्वरु होली पालन करिछंती अर्थात परस्पर मध्यरे रंग बोलिछंती। आशातीत सफलता पाइछि भारतीय जनता पार्टी पुणी थरे तेबे मोदींको राजनीतिक रणनीति ओ कौशल आगरे फेल मारिछंती विरोधी समस्त दल। प्रथमे कांग्रेस जेपरी रायबरेली एवं आमेथी भली आसन रे मध्य निजर पराजय को सामना करिया को जाउछ। प्रियंका गांधींकर समस्त कौशल को पंड करिछंती मोदी जोगी ओ सहाजुड़ी तबे कथा होची मोदी को समस्त कौशल किंतु पंजाब रे फेल मारिला। पंजाब रे केवल नुहे भारत वर्ष रे एपरी गोटी गोटी राज्य अच्छी जोठी मोदी को करिश्मा आकर्षण कौशल से ही सब राज्य रे मलिन पड़ जाइछि बा फेल मारिछि जेपरी पश्चिमबंग जेपरी केरल जेपरी तमिलनाडु जेपरी महाराष्ट्र एवं सर्वोपरि आम ओडिशा। ओडिशा रे नवीन पटनायक आकर्षण आगरे मोदी आकर्षण फेल मारिछि थर कु थर। ठीक से ही पश्चिमबंग रे मध्य समस्त कौशल करी मध्य मोदी फेल मारिथिले। कथा होउछि प्रसंग 2024 रे नरेंद्र मोदी पुणी थरे देशर प्रधानमंत्री हेबे ना तांको विकल्प परे आउ किए एही प्रश्नर उत्तर एथि पई खोजा जाउछि। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 रे कहिथिले जे 75 वर्ष हेले आउ कहा केही मंत्री हवा उचित नुहे दल रो एहा उचि नीति। 2024 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयस हम 75 वर्ष तेबे से स्वतः निजे राजनीति रु विश्राम नेबे बा सन्यास नेबे ना योगी आदित्यनाथ जे कि सबुठ बड़ आकर्षण चेहरा तांको प्रधानमंत्री पद रे बसिबा पई सुजोग देबे। कारण हिंदुत्ववाद हिंदू एजेंडा एवं राष्ट्रवादर कथा कही देशर अस्मिता को हिंदुत्व सह जोड़ी जो भी सफलता पाउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेबे तांको चेहरा को पुणी थरे बीजेपी बजाय रखिबो एवं लोकंक आगरे पुणी थरे से प्रधानमंत्री हेबे ना योगी आदित्यनाथ चेहरा तांका मॉडल को आगरे रखी प्रधानमंत्री पदरे तांको आसीन करिबा पाई बा तांको बसाइबा पाई
मोदी को प्रभावित करिब मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत दिन हला ये संपर्क रे गोटे भितरी खबर मिली। से खबर टी हला संघ परिवार अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहा जी बीजेपी रो मातृ संगठन यार कर्मकर्ता माने गोटे सर्वे करिसेंती। या होची भितरी कथा से ही सर्वे रे मोदी को लोकप्रियता अपेक्षा जोगी को लोकप्रियता प्रति हिंदुत्ववादी माने अधिक गुरुत्व देइछंती। कथा होची मोदी को जदि प्रधानमंत्री पद भाव रे पुणी थरे उपस्थापित करा न जाए तेबे कौन बीजेपी राष्ट्रीय स्तर रे पुणी सफलता पाई परिबो ना विकल्प दौड़ रे थिबा अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर रे निज को मोदी का विकल्प भाव रे उपस्थापित करिबे एवं लोकमत को निज आड़ पाणी परिबे। कथाटा विश्वास होनी किंतु एक कथा सत्य उत्तर प्रदेश निर्वाचन रे सद्य समाप्त निर्वाचन और निर्वाचन फलाफल पर अनुध्यान कले गोटे कथा स्पष्ट होई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूकरी भाषण प्रतिश्रुति एवं जोगी को आंटी सोशियाल को विरोध रे जेबडी पदक्षेप एवं हिंदू एजेंडा बड़ काम देछि। अखिलेश यादव समस्त चेष्टा सत्वे हिंदू भोट को ध्रुवीकरण करिवारे मोदी शाह ओ जोगी समर्थ होइछंती बा सफल होइछंती। ये सब पछरे ही मोदी 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 कारण मोदी को पाखरे गोटे स्वच्छता रही जहा अन्य कौनसी नेता पाखरे ये पर्यंत देखिबा को मिली पारी नाही। किंतु मोदी को भाषण रे बा प्रतिश्रुति रे जे मिछ भरी रही विरोधी माने बड़ प्रसंग करिसंती। मोदी कही थिले सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास किंतु सबका साथ सबका विकास असंभव हो पड़ी। देश रे दरदाम बढ़ी देश रे कॉर्पोरेट हाउस मानकर संपत्ति बढ़ी साधारण नागरिकों 80% नागरिकों क्रय शक्ति ह्रास पाई विकास दर कमुची ये सब को लक्ष्य कलापर भी मोदी का विकल्प भाव में कहीं जेहेतु उभा हो पार्ना लोक विश्वास जितबारे जीणवे समर्थ हो पारना तेणु मोदी ही एकमात्र विकल्प बोली एजावत कहुची। आज उत्तर प्रदेश भली विधानसभा आसन रे जो जो फलाफल प्रकाश पाइबा जाऊँ ता सूचना मिलू मोदी आकर्षण ही बीजेपी को विजय पथरे आगु को बढ़ाऊ। किंतु कथा पुणी थरे सेटा को दोहरेबा को चाहूचु जे मोदी निजे कहिथिले जे जहां को 75 वर्ष हेबो सी आउ मंत्री पद रे रही परिबे नाही। से हुए तो मुरली मनोहर जोशी जशवंत सिन्हा एवं लालकृष्ण आडवाणी को लक्ष्य कर एक कही थी पारती बोली आलोचना होता से समय 2014 किंतु यह जे आगामी 2024 मोदी को पाई मध्य गोटे बड़ आह्वान कारण मोदी कही 75 वर्ष पर जहाँ को 75 वर्ष हो मंत्री पद से रही पारे ना मंत्री हो पारे ना तेणु ये किपर प्रधानमंत्री मोदी किपर आउे प्रधानमंत्री हे तेणु बोध हुए संघ परिवार सी को नजर रखी गोटे वार्ता दे पारे जे योगी आदित्यनाथ हेबे परवर्ती भारतर प्रधानमंत्री। किंतु मोदी को कौशल राजनीतिर विचक्षणता एवं तंकर भावमूर्ति आगरे योगी भावमूर्ति को मध्य
ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସଂଘ ପରିବାର। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋଦୀ ଯେପରି ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା, ସେହିଭଳି ମୋଦୀ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା। ଯୋଗୀ ହୁଏତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଦଳ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ଶାଖା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବେ ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କ ଚେହେରାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କେଜରିୱାଲ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏହିପରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଓ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ, ତା'ର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ହିଁ ବିଜେପି, ବିଜେପି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଆଉ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁ ଗାଁ, ସବୁ ୱାର୍ଡ଼, ସବୁଥି ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଭୋଟ ହାର କମୁଛି ବଢ଼ୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଆଜି ଗାଁଠୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ। କାରଣ ମୋଦି ଲୋକମତକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ କିଏ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନା କେଜରିୱାଲ ନା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତାହା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ନେଇଛୁ ତାହା ହେଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମୟ କହିବ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ 2024 ପୂର୍ବରୁ ତାହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ହେଉଛି, କେତେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି, କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ସମୟକୁ ନମସ୍କାର।